में मिलना नहीं। इसलिए ये हिरण्या के हिरण्यकश्यप क्यों हुए कि भागवत में आगे सुनेंगे। एक दिन दिति ने बड़ी सुंदर थी, उसने बड़ी सुंदर श्रृंगार उसने किया और शिशा के सामने खड़े होकर के जब उसने श्रृंगार की उस राजकुमारी बड़ी सुंदरी अपना रूप को देख कर स्वयं स्वयं पागल हो गई और पति कश्यप जी से मिलने के लिए गई। लेकिन उस समय था शाम का समय में कश्यप जी ने समझाया, बोला देखो दीति ये जो समय है ना वो अच्छी समय नहीं है, इसलिए अगर तुम मिलोगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो काम में इतने मुग्ध हो गई थी वो ऋषि बोलने पर भी उसने सुनी नहीं, पति से जोर जबरदस्त मिली। मिलने का बाद ऋषि ने कहा तुमने अच्छा काम नहीं किया दीति, अभी तुम्हारे गर्भ में बच्चा आएगा, लेकिन वो जो बच्चा है ना ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस जन्म लेंगे, दो राक्षस जन्म लेंगे। आप देखना संसार में कोई कोई बच्चा तो बड़ा बात सुनते हैं, कोई कोई बच्चा को देखना बात नहीं सुनते हैं, एकदम पिता माता जो बोलेंगे उल्टा। कारण किया, कारण है अगर सही समय पर तुम गर्भ में बच्चा आधा ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए पहले नियम होता था जब जिस दिन स्त्रियां गर्भधारण करेगी नियम है समय देखो और जाकर के ठाकुर को पूजा करो, आरती उतारो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी हमें ऐसे बच्चे दो जो आज्ञाकारी बच्चे हो, पिता माता की सेवा करें, उनकी बात सुने, जगत में बड़ी इज्जत हो, जगत में पूरा नाम हो। आप देखना वो बच्चा इतना धुरंधर इतने अच्छे बनेंगे, ये गर्भाधारण संस्कार। दूसरा संस्कार है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब गर्भ में बच्चे रहते हुए अगर आप गीता रामायण भागवत पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, सत्संग सुनो, रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, टीवी में रामायण देखे हो। आप देखना जब माता सीता गर्भवती थी एक दिन भगवान राम ने सारे संतों को बुलाए, भगवान बोले सीते तुमको पता है आज हमने ये संतों को क्यों बुलाए, बोले क्यों, बोले तुम गर्भवती हो, अगर इसी समय तुम अगर सत्संग सुनोगे बच्चे बड़े संस्कारी बनेंगे। लव कुश देखे हो, देखो लव कुश कैसे बने, क्यों बने, वो साधु संगति कथा उन्होंने सुनी थी, क्या बलवान बने, अपना चाचाओं को भी पछाड़ दिया उन्होंने, सबको पछाड़ दिए और कितने ज्ञानी बने उन्होंने। इसलिए कहते इसलिए ऋषि ने समझाए, बोले देखो गर्भ में बच्चे रहते हुए गीता रामायण भागवत पढ़ो, सुंदर सुंदर भगवान की छवि देखो, तो बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ता है। अगर उल्टा पुल्टा डिस्को डांस देखोगे ना वो बच्चा जन्म से ही उल्टा पुल्टा निकल कर आएगा, एकदम उल्टा पुल्टा निकल कर गर्भ से ही आएगा। इसलिए अभी उन्होंने फल दिया लेकिन उसका नाम किया, बोले धुंधुली। धुंधुली मतलब क्या, अंधकार अज्ञान। वो कहां संतों का वस्तु को ग्रहण करती है, वो आकर के तो अपना सहेलियों को बोलने लग गए, उसको आत्मदेव ने पत्नी को दिया फल, इसको खाओगे तो बच्चा होगा, उसने अपना सहेली से बोली ऐसे ऐसी बात है, बोले चिंता क्यों करते हो, मेरे पति को पास में पैसा नहीं, तेरे पति को पास में ज्यादा पैसा, मेरे पति को तू कुछ पैसा दे दे और ये फल को परीक्षा करने के लिए गैया को दे दे और तू पेट में कपड़ा बांध करके झूठ मूठ का बहाना बना करके सोते रहो, मेरे घर में बच्चा होगा ना तेरे घर में दे जाऊंगा। उसने एकदम बेइज्जत कर दिया और उसने हल्ला मचा दी घर में, लाला भयो है, पंडित तो खूब नाचे घर में, लाला भयो है, लाला भयो है। लेकिन ये भगवान की देन है, देखना जब तक तो गर्भ से बच्चा जन्म नहीं लेते ना तब तक स्तन में दूध नहीं उतरती है, लेकिन बच्चा तो इसकी है ही नहीं, वो दूध कहाँ से आई, वो सूखा पड़ी हुई। इतने में बोली मैंने सुना मेरे सहेली के घर में कि लाला भयो है, क्या उसको बुला दूं अपना लाला को, मेरे लाला को पालन करे, बोले कोई बात नहीं, अभी जिसका बच्चा वही आकर पालन कर रही है। अभी जो गैया जन्म से बांझ थी, लेकिन संतों का फल है ना, संतों का आशीर्वाद कभी बर्बाद नहीं जाएगा, वो गैया गर्भवती धारण की और गैया ने इतने सुंदर जन्म दिया बच्चा, सारा शरीर तो इंसान जैसे और कान केवल गैया जैसे, सारा दुनिया देखने के लिए आए। भगवान जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं छप्पर फाड़ करके भगवान देते हैं, सारा दुनिया देखने के लिए आए। देखो इनको गैया भी घर में बचा दिया,
अभी दोनों बच्चा धीरे धीरे बड़े हुए, जब बच्चा धीरे धीरे बड़े हुए, एक होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार मतलब ऐसे नहीं मन में जो आए टुल्लू बुल्लू टिंकी टिंकी बच्चों का नाम रख लो, नहीं, नियम है ब्राह्मण को बुलाओ, जन्म नक्षत्र देखो, अक्षर निकालो, वो अक्षर को पहले रख करके भगवान हो, नहीं तो किसी भक्तों का नाम है भगवान, नहीं तो किसी भक्त का नाम रखो। क्योंकि जब बारंबार आप बच्चे को बुलाओगे आपका मुंह से ठाकुर का नाम निकलेगा, वो जितना बार सुनेगा उसका भी कल्याण, जीवा का भी कल्याण। जिस घर में भगवान के नाम गुंजेगा, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, वो घर का सारे अमंगल दूर हो जाएगी घर का। इसलिए नियम है बच्चे का भी भगवान की नाम पर धरानी चाहिए। लेकिन उसने बोली नहीं, मेरा नाम धुंधुली और बेटा का नाम रखेंगे मैं धुंधुकारी, जोर जबरदस्ती रखवा दिया और दूसरा बच्चा का नाम रख दिया गोकर्ण। जब धीरे 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 दोनों बच्चे बड़े हुए, एक संतों का आशीर्वाद और एक संतों को धोखा दिया, अभी गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी और दूसरा महाखल महादुष्ट बना। बच्चे को कुएं के पास में देखे धक्का मार कर गिरा दे, दूसरे घर में आग लगा दे, कुत्ते को साथ में दिन भर रहे एक पात्र में खाए, और चोरी गुंडा गिरदी सारे कुकर्म किया। शाम होते ही 10-20 शिकायत, तेरे बेटा ने ऐसे किया, तेरा बेटा ने ऐसे किया। अभी आत्मदेव को ज्ञान आया, साधु सही बोल रहा था, बच्चे से सुखी नहीं रहोगे हैं, इसलिए सुखी रहोगे भगवान की भक्ति से। एक दिन इतने दुखी हो गया, एक दिन बेटा अपना गोकर्ण के पास में गया, बोले बेटा कल्याण कैसे हो, क्या उन्होंने पिताजी को उपदेश दिया है, जो उपदेश पाकर उनकी भव बंधन मुक्त हो गया। बोले पिताजी ये संसार में कोई सुखी नहीं, स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, पृथ्वी का राजा भी सुखी नहीं है, राजा भी पृथ्वी का सुखी नहीं, इसलिए पिताजी जगत में एक व्यक्ति सुखी है जो भगवान की भक्ति करता है। आप ये संसार का सारे माया ममता मोह को त्याग दो, त्याग दे करके संतों की संग करो, भागवत ग्रंथ पढ़ो, इसी से ही आपको सुख मिलेगा। उन्होंने चले गए भजन करने के लिए, घर में मैया रह गई, मैया को खूब पिटाई करे, बताओ पिताजी कहाँ पैसा रख कर गए। मैया आत्महत्या करती है, मैया घर में अकेला हो गया, छह वेश्या को बुला करके ले आया, वेश्या तो वेश्या है, कोई बोले मेरे लिए साड़ी ले दे, कोई बोले गहना दे दे, कोई बोले मेरे लिए लिपस्टिक ला दे। अभी एक दिन राज दरबार में डाकू डाला और बहुत पैसा को लूट करके लाए, अभी वेश्याओं ने देखा सवेरे होते ही अगर सीआईड लग जाए, अगर पकड़े गए ना सबके सब जेल में जाएंगे, उसका रात रात ही मार डालो, बड़ी बुरी तरह से उसको प्राण त्याग दिए और घर में गाड़ करके उसने उन लोग चले गए। पूछे पति कहाँ है, बोले विदेश गया है बिजनेस के लिए। अभी वो आत्महत्या की है ना, अभी उसने अपमृत्यु से अपने प्रेत बना। एक दिन गोकर्ण जब घर में आया देखा प्रेत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो मेरे को उद्धार नहीं होगा। तो उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की इनकी उद्धार कैसे होगी, बोले ये भागवत कथा से उद्धार होगी। अरे गांव वालों को सबको बुलाया, बुला करके 7 गांठ का बांस गांट दी, 7 दिन में 7 गांठ कट गई और वैकुंठ से रथ आया। रथ में बैठी करके चतुर्भुज को धारण करते हुए जब वैकुंठ जा रहा था तब श्री गोकर्ण प्रश्न करता है, बोले हे आत्मदेव, हे गोकर्ण प्रश्न किया, हे विष्णु दूत आप कृपा करके बताओ, यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए, आप सभी के लिए क्यों रथ नहीं लाए, आप एक ही रथ क्यों लाए हो। अभी ध्यान देकर सुनो, ये सुनने का बात है, कहती आप एक रथ क्यों लाए, सभी के लिए तो रथ लाना चाहिए था ना। बोले देखो यहाँ पर जो कथा है ना केवल एक ही व्यक्ति सुना है, बोले यहाँ पर जो बैठे हुए, बोले बैठने पर थोड़ी होता है, इन लोगों ने कथा नहीं सुने। बोले फिर इसमें कमी क्या है, देखो उसमें कमी क्या, कहते हैं कहते विश्वास गुरु वाक्य सो
स्वस्मीन दिनत्तमावनम मान दोष जय सैसाम कथायाम निश्चलांगमति। कथा कैसे सुननी चाहिए? पहले पहला नंबर है, ये भागवत में पूर्ण विश्वास कर। ये मत समझो अरे ये पंडित लोग ने पेट पालने के लिए इस भूत पिशाच की कहानी बना दिया। किसने ये भूत पिशाचों को देखा? फिर तो ये भागवत में पल नहीं देगा, बैठने पर भी पल नहीं देगा। क्यों? पहला नंबर तुम्हारी भागवत में विश्वास नहीं। दूसरा बोले स्वस्मिन दिनत्व भावना, कथा सुनने के लिए दीनहीन होकर के कथा सुनना पड़ता है, हां दीनहीन होकर के। तीसरा नंबर है बोले एक मन से कथा सुन, मन दो मन नहीं, एक मन से कथा सुनना पड़ेगा है, क्योंकि कथा सुनने के लिए मन सबसे जरूरत है। लेकिन अगर यहाँ पर बैठे हुए लेकिन और कहीं पर मन चला गया, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पांच चीज कहते हैं भजन के लिए, पांच चीज की जरूरत है। पहला चीज है लय, लय मतलब होता है कथा में सोनी नहीं चाहिए। दूसरा कहते विक्षेप, विक्षेप का मतलब होता है कथा सुनते समय मन को चंचलता नहीं लानी चाहिए, कब खत्म होगा, खत्म अभी तक भी नहीं हुई, नहीं कथा में एक मन से कथा सुननी चाहिए। तीसरा है अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब होता है जैसे श्री भरत महाराज जी भजन कर रहे थे, लेकिन भजन करते करते उनका आसक्ति हो गई थी हिरण में, हाँ इसलिए दूसरे जीवन में वो हिरण जन्म को प्राप्त किए। भजन के लिए एक मन से और रसास्वाद, रसास्वाद मतलब होता है जैसे यहाँ पर बैठे कथा सुनने के लिए, लेकिन यह मन नहीं, मन तो किसी सिनेमा हॉल में चला गया, नहीं तो किसी दोस्त को पास, नहीं तो गोलगप्पे की दुकान में चला गया, लेकिन यहाँ बैठे हुए लेकिन और कोई चीज की आनंद ले रहे हो, कहते नहीं। कथा एक मन से जब कथा सुनेंगे फिर ये पूरे के पूरा कथा आपको भगवत प्राप्त करा देगी। जब उन्होंने ये सब बात को बताया ना, गोकर्ण ने कहा तुम लोगों ने सुन लिया है, हम लोगों ने तो कथा सुने लेकिन हमारे लिए रथ नहीं आया क्योंकि हम एक मन से कथा नहीं सुने। देखो कल से फिर दो बार कथा करूंगा, सबके सब कथा से पहले आना, एक मन से केवल सात दिन कथा सुनेंगे ना, जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए इससे मुक्त होकर के हम भगवान को चरण में चले जाएंगे। और ये भागवत को बताया कल्प वृक्ष, ये क्या है? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब क्या है? भागवत ने बताया आप जो मांगोगे ना वही मिलेगा। जो दुखी है भागवत उसको सुख प्रदान करता है, जो निर्धनी है उसको धन प्रदान करता है, जो रोगी है उसको निरोग प्रदान करता है। बोले अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी, ये भागवत मुक्ति भगवत भक्ति प्रदान करती है, सारे काम इच्छा को पूरी करती है भागवत, इसलिए उसको कल्प वृक्ष बताया। कल्प वृक्ष मतलब सब इच्छाओं को पूरी करेगा भागवत, जो मांगोगे वही चीज मिलेगी। लेकिन कथा सुनने के लिए एक मन से हमें कथा सुननी पड़ेगी। बोले नियम क्या? बोले पहला नियम है बोले बिना खाए पिए सात दिन तक कथा सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन हो गोपाल, ऐसे तो कथा नहीं सुन सकते। बोले ऐसे नहीं हो तो सात दिन तक घी पी कर कथा सुनो। बोले घी पी पी करके फिर पेट पतला हो जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे। फिर तीसरा नियम है बोले फलाहार करके सुनो। बोले हाँ ये तो ठीक है। बोले अगर फलाहार में भी दिक्कत हो, सबसे बढ़िया नियम बताया एक बार फलाहार करो और एक बार भोजन करो, बढ़िया से भोजन करो एक बार फलाहार, इसको सबसे बेस्ट बताया। कहते अगर इसी में भी तुम्हें दिक्कत है बोले जितना बार भोजन करना करो कोई बात नहीं, लेकिन कथा एक मन से कथा को, एक मन से ये कथा को सुनो। अगर कथा सुनोगे ये भागवत हमारी सारी इच्छाओं को ये भागवत पूरी करेगा। जब सात दिन तक फिर कथा सुनी, जितने बैठे हुए थे सभी के लिए रथ आया और सबके सब रथ में बैठ करके भागवत लोगों को सबके सब गमन करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, जोर से जयकार। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। ठीक है तो अभी कथा को विश्राम देते हैं, अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे,
और सबके सब भजन में नाचने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो हम सबके सब नाच रहे हैं, बताओ कौन नहीं नाच रहा है। कोई पैसा को सामने, कोई बीबी को सामने, कोई बच्चे को सामने, कोई परिवार को सामने, कोई है सबको, हम सबके सब नाच रहे हैं। बोले कब तक नाचेंगे? बोले जब तक ठाकुर को सामने नहीं नाच लेते। ठाकुर को सामने एक बार नाच लो ना, फिर तो कहीं नाचने का जरूरत नहीं, अगर उनको सामने नाचोगे तो। इसलिए अब सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी जो भजन गाएंगे तो भजन नाचने वाले भजन गाएंगे, और इसी में सबके सब नाचना। हाँ, और एक बात सुनो, हरे कृष्ण सुना, हमारे जो बड़े गुरु जी है ना, ध्यान देकर सुनो, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब आप कथा सुनने के लिए आओ क्या करो, एक एक व्यक्ति दस दस व्यक्तियों को लेकर के आओ। एक एक क्या करके, एक एक व्यक्ति कितने लोग बुलाओगे, कितने लोगों को, दस दस। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे आप जिसको कथा सुनाने के लिए लाओगे ना, आप जिसको लाओगे उसको जो पुण्य मिलेगा, जो लाने वाला को उसको आधा पुण्य मिल जाएगी, लाने वाला को उसको आधा पुण्य मिल जाएगी। इसलिए गुरु जी कहते कम से कम दस दस भक्तों को एक एक भक्त लेकर के आना, ठीक है। और टाइम से कथा में आ जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हरि कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हरि कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 we'll be right back.